तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube के चैनल में। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अपने अपने मंजिल की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोई करियर रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसा मोमेंट जिसका इंतजार भारत के हर एक नागरिक को है, हमें है, आपको है, आपके परिवार को है, पूरे भारतवासी को इसका इंतजार है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सफर धरती से आसमान तक की, कहानी चंद्रयान 3 की, जो आज से कुछ दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को धरती से रवाना हुआ था चांद की तरफ। और चांद पे यह सोचकर रवाना किया गया था कि इस बार हम चांद पे पहुंचकर एक इतिहास लिख देंगे। बात है चंद्रयान 3 की, जो 385,000 तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी तय करके वो पहुंच चुका है चांद पे, और चांद से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे वो अभी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस चंद्रयान 3 पे है। 385,000 की तकरीबन ये दूरी तय करने के बाद आखिर भारत के हर एक नागरिक, और ना कि सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व के लोगों की नजर सिर्फ उस 15 मिनट के खौफनाक वक्त पे आकर अटक गया है। वो आखिरी के 15 मिनट जब चंद्रयान को करना है लैंडिंग। आखिर उस 15 मिनट की कहानी क्या है, क्यों वो 15 मिनट इतना डेंजरस है, क्यों लोगों की धड़कनें रुक सी गई हैं, और इन धड़कनों को बढ़ा देने के लिए और खौफ को और भी बढ़ा देने के लिए उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है रशिया, जहां पे उसने अपने लूनार को चांद पे भेजा था और एन मूवमेंट पे वो क्रैश हो गया। अब इसकी वजह से ये जो चंद्रयान 3 का सफर है ये थोड़ा और भी ज्यादा चर्चा में। अब इस वीडियो में हम चाहे तो आपको यह भी बता सकते हैं कि आखिर ये आसमान है क्या, क्या है चांद धरती, लेकिन इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि चांद का धरती का जन्म कैसे हुआ। हम इसके बारे में उतने डिटेल्स में आपको नहीं बताने वाले, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि हम आपको करियर के साथ साथ हम चाहते हैं कि आपके पास थोड़ी नॉलेज भी रहे ताकि आप किसी भी चीज में पीछे ना रहे। तो दोस्तों, चांद का जब जन्म हुआ तो चांद का जो जन्म हुआ था वो जन्म बहुत सारे जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं, जब आपस में टकराते हैं छोटे छोटे तो वो गिरते हैं, और गिरने की वजह से ही चांद का बेसिकली जन्म हुआ था। लेकिन इनके गिरने की वजह से कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं जब वो टकरा कर गिरते हैं, जिनको उपग्रह बोलते हैं, तो इनके स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से चांद में बहुत बड़ी बड़ी गड्ढे हैं, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है। आज से पहले चांद पर सिर्फ 12 लोगों ने कदम रखा है, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले व्यक्ति थे। और अगर यूं कहें तो सबसे पहले और सबसे आखिरी कदम भी आई थिंक अमेरिका वालों ने ही रखा है। अमेरिका ने ही चांद पे अपने सबसे पहले लोगों को भेजा था, और उस वक्त 3 लोग गए थे जिसमें पहला कदम जिन्होंने रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे उनके साथ जो गए थे, और तीसरा चूंकि वो उसमें रॉकेट के अंदर ही थे, जहाज में ही थे, वो उतरे नहीं थे क्योंकि वो टेक्निकली उनको सब कुछ देखना होता है। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत से राकेश शर्मा गए थे, लेकिन उन्होंने चांद पे कदम नहीं रखा था, वो बेसिकली स्पेस में सबसे पहले गए थे। चंद्रयान का लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है, अगर आप इसको समझें तो जो भारत का जो प्लानिंग है, यानी कि हमारे जो चंद्रयान 3 को वहां पे लैंड करने का प्लानिंग है, वो है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे। हालांकि चांद के जो बाकी हिस्से हैं वहां पे लैंड कराना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि जो दक्षिणी ध्रुव है एक ऐसा हिस्सा है चांद का जहां पे सूर्य तक की रोशनी वहां पे नहीं पहुंचती, और जिसकी वजह से वहां पे हमेशा अंधकार रहता है, और अंधकार रहने की वजह से वहां पे -200-300 डिग्री में ठंड होती है, और अगर वहां पे ठंड है, अंधेरा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे पानी भी जरूर होगा, और अगर पानी हुआ
तो शायद इंसानों को भी वहां पे बसाया जा सकता है। अब यही वो पोल है, यही वो जगह है जहां पे हमें अपने चंद्रयान 3 को लैंड कराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चांद के सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे हमारा चंद्रयान है तो लैंडिंग करने में दिक्कत क्या है। दिक्कत यही है कि आपने रनवे पे एरोप्लेन को लैंड करते हुए देखा होगा। जब रनवे पर प्लेन लैंड करता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है हाइट के हिसाब से, और उसको एक समतल स्पेस मिलता है जहां पे वो उतरता है, और उतरने के बाद भी उसकी स्पीड काफी अच्छी खासी होती है, तकरीबन 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये होती है। तो उसे समतल जमीन चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमारे चंद्रयान 3 को भी लैंड करने के लिए एक समतल जमीन की जगह जरूरत है, जिसे ढूंढा जा रहा है कि वो जमीन कहाँ है। क्योंकि अगर क्योंकि वो देखो चांद यहाँ है और चंद्रयान यहाँ है, अभी चांद के ऊपर है वो। अब जब ये लैंड करेगा और गलती से अगर इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हुई, या फिर अगर ये जो चांद के ऊपर जो गड्ढे हैं उसको शायद क्रेटर्स बोलते हैं ऐसा, अगर ये जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो वो गड्ढे में भी जा सकता है, वो क्रैश कर सकता है और हमेशा हमेशा के लिए वो गड्ढे में खो के भी रह सकता है। तो इसीलिए अभी वो जगह ढूंढनी है जिस जगह पे थोड़ी सी समतल हो जहां पे चंद्रयान 3 को उतारा जा सके। अब यही 15 मिनट पे सारे लोगों की नजर है, और आज चंद्रयान 6:04 में उसकी एस्टिमेटेड लैंडिंग टाइम है, जहां पे वो अगर उतर जाता है तो भारत पूरे वर्ल्ड में अपना इतिहास रच देगा और हम सब भारतीयों का भी सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। बस दुआ करना है हमें ऊपर वाले से कि बस उसे सही सलामत लैंड करा दी जाए। काफी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत और काफी सारे इंजीनियर्स, काफी सारे जो साइंटिस्ट के दिन रात एक करने का नतीजा है। अब यहां पे आपको एक सवाल और आ रहा होगा कि रशिया ने जो चांद पे भेजा लूनार को, वो सिर्फ महज 7 में चांद पे पहुंच गया, लेकिन वहीं पे हमारा चंद्रयान 3 को पहुंचने में तकरीबन 40 लग गए। ऐसा क्यों? देखो, कोई भी चीज अगर वो स्पीड से जाती है, जल्दी पहुंचती है, तो उसमें खर्चा बहुत होता है। चांद पे किसी भी चीज को भेजना, कोई भी रॉकेट को हम जब चांद पे भेजते हैं, ये बहुत खर्चीला है। धरती से चांद की दूरी तकरीबन 385,664 किलोमीटर के आसपास में है, ये मैं लमसम आपको बता रहा हूँ लगभग, लेकिन 385,000 तो फिक्स है, उसके बाद वाली थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। ये दूरी है और यहां पे किसी भी चीज को भेजना बेहद खर्चीला है। आपने देखा होगा जब आप एक ट्रेन में सफर करते हैं, सपोज एक नॉर्मल सुपर फास्ट एक्सप्रेस में सफर करते हैं, तो उसकी जो फेयर होती है, और अगर आप कोई लाइक बुलेट ट्रेन में करते हो या फिर आप राजधानी में कर रहे हो, तो उसका जो फेयर होता है सेम, ट्रेन सेम होने के बावजूद भी उसका फेयर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो कम टाइम में आपको पहुंचा रहा है। तो कम टाइम में पहुंचाने के लिए ईंधन बहुत ज्यादा चाहिए, और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। तो इसलिए बहुत शांति से, आराम आराम से ये चंद्रयान सारी बाधाओं को पार करते हुए फिलहाल चांद के ऊपर है, और चांद से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस बार जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि इस बार काफी बैकअप प्लान है हमारे साइंटिस्ट लोगों का, कि इस बार हम चंद्रयान 3 को क्रैश नहीं होने देंगे और किसी भी हालत में लैंड कराना है। साउथ पोल में लैंड कराना है, क्योंकि इससे पहले आज तक साउथ पोल में किसी भी देश के साइंटिस्ट ने अपने चंद्रयान को, यानी कि अपने रॉकेट को लैंड कराने का ट्राई भी नहीं किया है। इस बीच रशिया ने किया था और उसका अंजाम आपके सामने है, तो डर थोड़ा और बढ़ सा गया है। तो यही मेन मकसद है कि यहाँ पे, और यही कारण भी है जिसकी वजह से लोगों का दिमाग उस 15 मिनट्स जो है वो खौफनाक होने वाला है। एंड ये 15 मिनट की जर्नी क्रॉस अगर कर जाता है तो चंद्रयान इतिहास लिख देगा पूरे विश्व में, भारत का नाम ऊंचा हो जाएगा। बस हमें दुआ करना है कि चंद्रयान 3 वहां पे अच्छे से लैंड कर जाए। आप भी अपने अपने घरों में प्रार्थना कीजिए, अपने सारे लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और सबको बोलिए कि वो प्रार्थना करें कि बस सही सलामत हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर जाए, क्योंकि ये काफी लोगों की दिन रात की मेहनत, लोग कई लोगों ने अपने नींद खोए हैं, अपना चैन सुकून सब कुछ खोने के बाद चंद्रयान 3 फाइनली
अपने सारे स्टेजेस को क्लियर करते हुए चंद्रमा तक पहुंच गया है। साउथ पोल को ही इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां पे आज तक किसी ने कदम नहीं रखा, किसी ने अपने रॉकेट्स यहां पे लैंड नहीं कराए हैं, और अगर यहां की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो शायद आने वाले टाइम में पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा और एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा उसे रिसर्च करने का। तो यही सोचकर मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो बस इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका दुआ प्रार्थना शामिल रहेगा, हम आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दुआ जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।